हेलो गाइज, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं द टेक्निकल बीट्स यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पासपोर्ट साइज इमेज के बैकग्राउंड को कैसे चेंज करोगे और साथ ही साथ अपने इमेज के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करोगे। आप किसी फॉर्म को फिलअप करते हो तो उसमें आपको अपना पासपोर्ट साइज इमेज अपलोड करना होता है और उसकी बहुत सारी क्राइटेरिया होती है कि आपका इमेज है उसका साइज कुछ केबी से कुछ केबी के बीच होना चाहिए और आपके इमेज का बैकग्राउंड ब्लू, रेड और वाइट होना चाहिए। ऐसे कुछ होता है तो आप इसको कैसे कर पाओगे इजीली अपने फ़ोन में, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आप वीडियो को स्किप मत करना वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और उसमें एक वेबसाइट टाइप करना है। उस वेबसाइट का नाम है remove.background। तो चलिए टाइप करते हैं। तो रिमूव डॉट बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करके आप अपना एक इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मैं ये कोई सा भी एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस होगा। इस छोटे से प्रोसेस के बाद अब आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, अब आपको बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना है। तो वो कैसे करोगे, तो आप यहाँ एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करो। आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से सिंपली अगर रेड सेलेक्ट करना चाहते हो बैकग्राउंड अपना, तो रेड सेलेक्ट कर लो। रेड सेलेक्ट करोगे तो आपका बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। या फिर आप ब्लू चाहते हो तो यहाँ से ब्लू सेलेक्ट कर लो, तो आपका बैकग्राउंड अब ब्लू हो जाएगा। अगर आप वाइट रखना चाहते हो तो यहाँ से वाइट भी ले सकते हो अपने बैकग्राउंड को, तो अब आपका बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। या फिर यहाँ स्क्रॉल करके अपने इमेज का बैकग्राउंड कुछ भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो गाइस, अभी मैंने रेड बैकग्राउंड ले लिया है और आपको ये डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। आप डाउनलोड पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको शेयर इमेज और डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी ये इमेज डाउनलोड हो चुका है। अब इसे ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा इमेज डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो कोई भी कलर यूज़ करके। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हम इमेज के साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करेंगे। तो गाइस, फिर से आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें आपको टाइप करना है reduceimages.com। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं। तो आप इसे जैसे ही टाइप करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप यहां से अपने इमेज को सिलेक्ट कर लो। तो गाइज, अपने पिक को जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहां आपका पिक अब सेलेक्ट हो गया होगा। और यहां से आप
उसके साइज को चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ सिंपली चेंज कर दो कुछ भी, और यहाँ पे रिसाइज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। रिसाइज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा आपका इमेज। अब यहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लो। आप देख पा रहे हो कि यहाँ उसके KB में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, तो डाउनलोड हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ से ओपन करके दिखा भी देता हूँ। अभी आप देख पा रहे हो क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इस तरीके से आप इसे तो इस तरीके से आप अपने फ़ोटो के साइज़ को डिक्रीज कर सकते हो। तो गाइज़, मैंने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको बता दिया है, और इसमें कोई भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर करना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।